तो उस परिस्थिति में कोई चुनौती नहीं है अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सामने। जेडीयू में अब है क्या कि टूट हो या फूट हो, जनता दल यूनाइटेड तो शून्य है, शून्य को तोड़िएगा क्या उसमें से निकलना है। लेकिन जो मूल जनाधार था, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में ताकत दी, वहां से किसी को नीतीश कुमार जी ने उस रूप में आने का मौका नहीं दिया ना। अब वैसे लोग होते तो आज नीतीश कुमार जी की भी अब दुर्गति नहीं होती। देखिए अभी तक जो स्थिति है, मुझको लगता है कि विपक्ष जिस रूप में है, अलग अलग प्रधानमंत्री के दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवार है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है आज विपक्ष की, तो अब इन लोगों का कहां कोई तारतम्य में बैठ रहा है, और तारतम्य में नहीं बैठ रहा है तो उस परिस्थिति में कोई चुनौती नहीं है अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सामने। कोई चुनौती फिलहाल 2024 तक तो मुझको व्यक्तिगत रूप से नहीं दिख रही। देखिए हमने तो बार बार कहा है, जनता दल यूनाइटेड में अपवाद कोई कोई हो सकता है, या निजी स्वार्थ में कोई नीतीश कुमार जी के उस निर्णय का समर्थक हो सकता है, बाकी मांझी जी क्या, जनता दल यूनाइटेड में भी अपवाद छोड़कर बाकी सभी लोग नहीं चाहते कि उस तरह के डिसीजन की ओर बिहार जाए, जिस डिसीजन के कारण फिर से बिहार में वही स्थिति हो जाए, पुराना 15 साल वाली स्थिति कोई नहीं चाहता। तो देर सवेर सब लोग बोलेंगे, मांझी जी ने कहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, धीरे धीरे सारे लोग वही बात बोलेंगे, जिस रास्ते पे अब हम चल रहे हैं सभी लोग उसी रास्ते पे आएंगे, क्योंकि जनता का दबाव लोग नहीं झेल पाएंगे। जनता कहीं से नहीं चाहती है कि फिर से उसी राज में हम वापिस हो, इसलिए मांझी जी या बाकी लोग भी बोलेंगे। क्या लगता है जेडीयू में? जेडीयू में अब है क्या कि टूट हो या फूट हो, जनता दल यूनाइटेड तो शून्य है, शून्य को तोड़िएगा क्या उसमें से निकलना है। अब खाली घर है उसको तोड़िएगा क्या है वहां से निकलना है। अब कोई टूट फूट का मामला नहीं है ही नहीं, वहां खाली घर है एकदम, तो उसमें टूट का क्या मतलब। अब कोई आदमी अब देख रहे हैं ना, अब नीतीश कुमार जी के बोलने के बाद भी कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम जो कह रहे हैं वह सही है, तो अब सर्वमान्य नेता कल तक जो बोल रहे थे लोग, अब उसी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड क्या बचता है, अब कुछ है ही नहीं वहां। अच्छा कुशवाह जी, आपके बातों से ये लगता है कि आपके निशाने से नीतीश कुमार से ज्यादा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर 3-4 नेता हैं? नहीं देखिए, निशाना पर हम किसी को नहीं ले रहे, हम बिहार की जनता का क्या इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। बिहार की जनता हम फिर ही कहेंगे कि कभी नहीं चाहेगी पुराना वाला 15 साल वाला जो राज्य था उसमें लौटना, तो इसके चलते हम कह रहे हैं अब निशाना किनके तरफ जा रहा है उससे हमारा मतलब नहीं। सर एक बार, आप भी तो गए थे राजद के साथ गठबंधन में, तो उस समय ये बात तो आपको समझ में नहीं आई? नहीं, जिस समय हम महागठबंधन में गए थे राजद के साथ, उस समय बिहार को किसी को सौंपने की बात नहीं थी, पार्लियामेंट का चुनाव था, याद कर लीजिएगा। उस समय बिहार में किसके हाथ में सत्ता जाए या नहीं था, उस वक्त पार्लियामेंट का चुनाव था, देश में किसकी सरकार आए इसके लिए चुनाव था, बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाए इसके लिए चुनाव नहीं था, तब हम गए थे। नीतीश जी का आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए कुछ दिनों से, जिस तरीके से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं या उनके बारे में फेवर में बात कर रहे हैं, तो कुछ तो मजबूरी रही होगी कि वो इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद अचानक किसी को अपने पार्टी में नहीं नाम लेकर सामने को वाले को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो। देखिये हमने तो कहा ही है ना कि उन्होंने इतने दिनों में कोई सेकंड मैन तैयार नहीं किया जो उनका जनाधार था मौलिक रूप से, बाकी तो बाद में सब लोग जुड़े, लेकिन जो जनाधार था लव कुश अति पिछड़ा, बाकी लोग भी जुड़े, हम नहीं कह रहे कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, सारे लोगों ने मिलकर बनाया, लेकिन जो मूल जनाधार था, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में ताकत दी, वहां से किसी को नीतीश कुमार जी ने उस रूप में आने का मौका नहीं दिया ना, तो वैसे लोग आज हैं ही नहीं उनके साथ। अब वैसे लोग होते तो आज नीतीश कुमार जी की भी अब दुर्गति नहीं होती, नहीं है इसलिए अब ऐसे लोगों की सलाह पर चल रहे हैं जिन लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत से कोई मतलब नहीं, तो वैसे लोग की सलाह पर चलने की उनकी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के कारण नीतीश जी इस स्थिति में पहुंच गए।